डीजीपी अभिनव कुमार ने अपने 3 दिवसीय कुमाऊं भ्रमण के दौरान मां नैना देवी के दर्शन किए। वहीं यात्रा के दौरान उन्होंने कुमाऊं के 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों से अलग अलग मुलाकात कर अपराध की समीक्षा की। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार नैनीताल पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले अभिनव कुमार ने मां नैना देवी के दर्शन किए। अभिनव कुमार ने बताया कि वे 3 दिवसीय कुमाऊं भ्रमण पर है। भ्रमण के दौरान कुमाऊं के 4 जिलों के पुलिस अधिकारियों से अलग अलग मुलाकात कर अपराध की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस विभाग में हुए कार्यों की समीक्षा की। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं जानने के लिए पुलिस सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। हमारा लगभग 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उसके अगेंस्ट लगभग 24,000 कर्मी अभी हमारे पास उपलब्ध है और अभी लगभग 2,500 लोगों की भर्तियाँ विभिन्न स्टेजेस पर हैं। दरोगा और फायर सर्विस ऑफिसर्स की तो चल रही है और कॉन्स्टेबल्स की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तो इन भर्तियों के माध्यम से जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1.25 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक व्यापक समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल जो हमारे थाने चौकियों में जो पुलिस बल तैनात है वो काफ़ी पुराने मानकों के हिसाब से तैनात किया गया है। तो हम अभी के आज की जो काम की चुनौतियाँ हैं, जो वर्कलोड है, उसका विश्लेषण करते हुए हम इसके लिए भी नए मानक तैयार कर रहे हैं और वो उनको शासन के समक्ष रखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।